हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लनवृद्धि तिमन। राजस्थान सरकार शांति एवं अहिंसा विभाग के द्वारा 50,000 पदों पर वैकेंसी आई है, जो कि सभी जिलों के सभी राजस्व ग्रामों और शहरी क्षेत्र के सभी वार्डों के लिए ये वैकेंसी रहने वाली है। पद जो है यहाँ 50,000 हैं। लास्ट डेट जो है वो एप्लीकेशन करने की 29 अगस्त रहने वाली है। कैसे जो है यहाँ पर चयन होगा, सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि यहाँ कोई एग्जाम आपका नहीं लिया जाएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर 12th मांगी गई है, जिन्होंने 12th की है इसके साथ जो है वो आगे जो है क्वालिफिकेशन अगर आपने गेन की है तो वह भी जो है आप लोग लगा सकते हैं। बाकी जो है वो यहाँ पर मिनिमम 12th मांगा गया है। तो ये जो है शॉर्ट नोटिस है राजस्थान सरकार शांति एवं अहिंसा विभाग के द्वारा। 13 अगस्त को ये एडवर्टीजमेंट आया है। पदों की संख्या 50,000 है, जो कि सभी जिलों से इन्होंने आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है। मिनिमम योग्यता यहाँ पर 12th मांगी गई है या इसके समकक्ष, ठीक है। अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो भी जो है आप लोग यहाँ पर एप्लीकेशन के वक्त जो है उसे लगाएं। महात्मा गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वाले प्रमाण पत्र अगर आपके पास है, स्काउट गाइड, एनसीसी, सुरक्षा सखी, पुलिस मित्र, पूर्व बजट घोषणा में चयनित महात्मा गांधी सेवा प्रेरक और महिला एसएचजी अगर है तो इनको जो है यहां पर प्राथमिकता दी जाएगी। बाकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th मांगी गई है, ठीक है। अगर आपने 12th पास कर ली है तो आप जरूर जो है वो फॉर्म भरें। यहां पर आवेदन जो है आवेदन आवेदक अपनी ग्राम पंचायत, तो राजस्व ग्राम या शहरी वार्ड के लिए ही आवेदन कर सकेगा। और ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक जो स्टूडेंट है वो अपने ग्राम से या शहरी वार्ड से जो है वो केवल एक ही आवेदन करेगा, ठीक है। क्योंकि लिखा है यहाँ पर एक से अधिक स्थानों के लिए अगर आपने आवेदन किया तो जिला स्तरीय पैनल के द्वारा उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। मिनिमम यहाँ पर जो एज मांगी गई है 21 और अधिकतम 50 रहने वाली है। पेमेंट क्या मिलेगा आप लोगों को, तो यहाँ पर काम जो है वो आप लोगों के लिए बहुत कम रहने वाला है, उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ सैलरी मिलेगी। तो महात्मा गांधी सेवा प्रेरक को 4,500 रुपए प्रति माह नियत मानदेय दे होगा। यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो साइड में अगर आपके कुछ जो है वो अर्निंग होती है तो ये कोई बुरी बात नहीं है। चयन प्रक्रिया जो है वो अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार समिति के माध्यम से होगा, कोई एग्जाम नहीं होगा। आवेदन की तिथि जो है वो 16 अगस्त से 29 अगस्त तक रहने वाली है। ऑनलाइन आवेदन के लिए एसएसओ पोर्टल जो है राजस्थान का, तो उसमें लॉगिन करने के बाद सिटीजन ऐप में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। विज्ञप्ति के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए इसकी जो मेन वेबसाइट है, तो ये जो है मेन वेबसाइट है, इसका स्क्रीनशॉट आप जो है वो ले लें। बाकी अभी जो है 16 अगस्त से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे, तो डिटेल में एडवर्टीजमेंट आप लोगों को मेन वेबसाइट पर दिखाई देगी, ठीक है। तो आप लोग जो है बिल्कुल अपने जो है विचार जो है वो कर लें कि यदि आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करना है तो आप जो है वो 16 अगस्त का जो है वो वेट कर सकते हैं। तो ये चीज मैंने आप लोगों को बता दी है। 13 अगस्त को ये एडवर्टीजमेंट जो है न्यूज़पेपर में जो है वो पब्लिश हुई है। यहां पर कहा है कि ये जो पद होंगे एक वर्ष के लिए मानदेय पर लिए जाने हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है। और बाद में जो है वो अच्छा वर्क रहता है, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं जो यहां योग्यता बताई गई है तो इनको जो प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट जो है वो पहले के मिले हैं तो इनके अब जो है वो काम आ रहे हैं। इसी तरीके से यहां पर आप लोगों को एक जो है वो सर्टिफिकेट जो मिलेगा वो आपके आगे जो है भविष्य में काम जरूर आएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।